हेलो एवरीवन, यहाँ पे हम ड्रिलिंग मशीन के ऊपर एक बहुत अच्छा न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे न्यूमेरिकल लिखा हुआ देख सकते हैं। इसमें बेसिकली मशीनिंग टाइम कैलकुलेट करना है आपको। जैसे इसमें लिखा हुआ है, कैलकुलेट द मशीनिंग टाइम टू ड्रिल 4 8 mm होल। 8 mm के 4 होल हैं एंड 140 mm और एक 40 mm का होल है, जो कि 40 mm का होल सेंटर पर और 8 mm के होल कॉर्नर के ऊपर है, ठीक है। और इसमें लिखा हुआ है कि जो सेंटर वाला होल है उसमें पहले 20 mm का होल ड्रिल किया जाता है फर्स्ट, एंड देन एनलार्ज टू 40 mm। मींस ये वाला जो होल है वो डायरेक्ट 40 mm का नहीं बना रहे हैं, पहले 20 mm का बनाया और 20 mm बनाने के बाद आपने इसको बनाया 40 mm का, ठीक है। कटिंग स्पीड दिया है हर केस में, कटिंग स्पीड सेम दिया है हर केस में, ठीक है, 10 meter per minute। और फीट दिया है 8 mm ड्रिल के लिए, 8 mm होल के लिए फीट दिया आपका 0.1 mm पर रिवॉल्यूशन, और 20 mm ड्रिल के लिए फीट दिया 0.2 mm पर रिवॉल्यूशन। ऐसे ही 40 mm होल के लिए फीट दिया है 0.4 mm पर रिवॉल्यूशन। यहाँ पे थोड़ा सा इसको हम देखते हैं, ये आपका कुछ इस तरह का है, ये आप देख सकते हैं, एक्चुअल पिक्चर आप देख सकते हैं इसका। देखिए, सबसे पहले तो मशीनिंग टाइम कैलकुलेट करने का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो मशीनिंग टाइम निकालने का जो फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला होता है इक्वल्स आपका लेंथ या डेप्थ ऑफ द होल अपॉन फीट इनटू एन। एफ क्या है, फीट है, और जो कि एमएम पर रिवॉल्यूशन में होती है, और एन है आरपीएम, आरपीएम मतलब रिवॉल्यूशन पर मिनट। क्लियर है बात। अभी इसमें जैसे आप देखिए क्वेश्चन में, यदि आप ओरिजिनली देखेंगे तो कहीं पे उसकी थिकनेस नहीं दिया है, ठीक। स्टार्टिंग में आप देखेंगे तो जो होल है उसकी थिकनेस कहीं नहीं दिया है, सिर्फ आपको डायमीटर दिया है। तो ये आपको इस डायग्राम से पता चलेगा, क्योंकि इसमें डायग्राम भी साथ में दिया हुआ है। ये आप देख सकते हैं डायग्राम, ये है, ठीक है। और ये इसका आप देखोगे टॉप व्यू है, ये फ्रंट व्यू है। टॉप से आपको ये इस तरह से प्लेट रखी हुई दिखेगी, और सामने से देखोगे तो ये दिखेगा। तो टॉप से आपको ये दिख गया, और सामने से देखोगे तो आपको उसकी थिकनेस दिखेगी, होल की थिकनेस, मोटाई दिखेगी। तो आप देखिए यहाँ पर ये पूरा प्लेट है, ठीक है, ये पूरा प्लेट है, और इस प्लेट में ये अंदर 60 mm का हिस्सा अलग है, ठीक है। और 60 mm का जो हिस्सा है ये वाला, ये 60 mm बेसिकली इसमें दिया हुआ है, ये आपका 40 mm है, ठीक है। और ये पूरा है जो, ये आपका 60 mm है, ये पूरा क्या है, 60 है, ठीक है। आपको यहाँ पे लिखना चाहें तो यहाँ पे भी देख सकते हैं 60 है। तो इस केस में जब ये जो प्लेट है, इस प्लेट में यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे ये होल की थिकनेस क्या है, 10 है। सामने से देखोगे तब आपको थिकनेस दिखेगी, ठीक है, सामने से देखो तो क्या दिखेगा, थिकनेस दिखेगा। कुल मिला के जैसे फॉर एग्जांपल ये है, ये प्लेट, इसमें होल है कि यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर, तो डायमीटर सामने से दिख जाएगी। अब जो होल की थिकनेस है वो आप सामने से देखूंगा, मैं इधर से देखूंगा तब दिखेगा। तो सेम कुछ इस तरह से यहाँ पर पिक्चर है। तो अब पहला केस हम निकालते हैं फॉर 8 mm होल्स के लिए। 8 mm के जो होल हैं उनके लिए हम मशीनिंग टाइम कैलकुलेट करते हैं। 4 8 mm होल, ठीक है, मशीनिंग टाइम, होल मशीनिंग टाइम। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ है जो कि आपको समझनी चाहिए, कि आपको कटिंग स्पीड दिया हुआ है। स्टार्टिंग में आप देखेंगे तो स्टार्टिंग में आपको क्या दिया, कटिंग स्पीड दिया हुआ है। कटिंग स्पीड क्या दिया, 10 meter per minute। कटिंग स्पीड आपको दिया हुआ है, और कटिंग स्पीड की जो वैल्यू है वो है 8 meter per minute। तो वी आपको दिया है, वी इक्वल्स है 10 meter per minute। वी की वैल्यू कितनी है, 10 meter per minute। अब इस वी की वैल्यू से हम आरपीएम कैलकुलेट करेंगे। तो वी का इसका फॉर्मूला था वी इक्वल्स पाई डी एम, लेकिन आपको ध्यान रखना है ये फॉर्मूले में आपका जो डायमीटर है वो मीटर में होना चाहिए, है ना, और जो वेलोसिटी है वो मीटर पर मिनट में होना चाहिए। तो वेलोसिटी मीटर पर मिनट में है ऑलरेडी, तो यहाँ पर आप देखिए 10 इक्वल्स आ जाएगा पाई, पाई तो पाई रहेगा, डायमीटर, डायमीटर एमएम है, तो इसको मीटर में चेंज करने के लिए आपको 1000 से भाग देना पड़ेगा, है ना, ये तो आपको समझ में आता होगा। एमएम को मीटर में चेंज करने के लिए 1000 से क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा, इनटू एन। अब इसको यदि आप सॉल्व करते हैं तो कुछ इस तरह का पिक्चर बनेगा। तो एन की जो वैल्यू है वो इक्वल्स आ जाएगी 10 × 1000/8π। क्लियर है, आपको समझ में आ रहा होगा। अब कैलकुलेटर से हम इसको सॉल्व करते हैं। कैलकुलेटर से जब इसको सॉल्व करेंगे तो कुछ इस तरह की वैल्यू आएगी, ठीक है। यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये साइंटिफिक कैलकुलेटर है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपको इस तरह का ही मिलेगा। तो 10 × 1000, ठीक है, ये आ गया। अब इसको आपको डिवाइड करना है 8
इंटू पाई से, ठीक है, 8 × π से डिवाइड करना है। तो ये आपकी जो n की वैल्यू आ गई वो आ गई 397.88। अब मशीनिंग टाइम कैलकुलेशन का फॉर्मूला लगा दो। मशीनिंग टाइम क्या है, एल टी एम, मशीनिंग टाइम को हम दिखाते हैं टी एम इक्वल्स एल। एल क्या है, होल की थिकनेस है। तो होल की जो थिकनेस आप यहाँ पर देख सकते हैं, होल की थिकनेस कितना दिया है, होल की थिकनेस 10 है। ये होल यहाँ पर है ना, इस प्लेट है, तो होल की थिकनेस कितना है, 10 दिया हुआ है, 10 है। और एफ की वैल्यू कितनी है, एफ है आपका 0.2। आप देखो फीट दिया हुआ है। फर्स्ट केस में यदि आप देखेंगे तो फर्स्ट केस में 8 mm होल के लिए फीट कितना दिया है, 0.1 mm। तो यहाँ पे फॉर 8 mm होल फीट कितना दिया है, 0.1 इंटू एन कितना है, 397.88। ठीक है, तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं टी एम की वैल्यू। तो यहाँ से आप देखिए ये दिया हुआ है 397 ऑलरेडी, और इसको हम डिवाइड कर देते हैं किससे, 0.1 इंटू, सॉरी उल्टा कर दिया हमने, चलिए 397.88 ले लिया, 397.88 मल्टीप्लाइड बाई 0.1, ये आ गया। अब इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं, उल्टा कर लिया इसको, और 10 से हम दे देते हैं मल्टीप्लाई, 10 से क्या कर दिया मल्टीप्लाई। तो आपके टीएम की वैल्यू आ गई 0.25, और 132 ले सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है उसको। ये आंसर आया आपका मिनट में, किस में आंसर आएगा, ये मिनट में। अब आप सोचिए एक होल के लिए आपको इतना टाइम लग रहा है, ठीक है, 8 mm के कितने होल हैं, 4 होल हैं। तो एक होल के लिए जब इतना टाइम लग रहा है तो 4 होल के लिए कितना टाइम लगेगा, फॉर 4 होल्स के लिए टाइम कितना हो जाएगा, 4 × 0.25। तो इसका वैल्यू आ गया आपका 1 मिनट। फर्स्ट केस में जो 8 mm के होल हैं उसके लिए जो टोटल टाइम है वो कितना आ गया, 1 मिनट आ गया। अब हम निकालेंगे कितनी 20 और 40 mm के लिए, फॉर देखो अभी हम निकालते हैं फॉर 20 mm होल, ठीक है, 20 और 40 के लिए। तो फॉर 20 mm होल, 20 mm होल के लिए, 20 mm होल के लिए पहले आप फीट देखो, फीट कितना दिया है, 0.2 mm पर रिवॉल्यूशन। और कटिंग स्पीड सबके इसमें वही दिया है 10 m/min, वी की वैल्यू कितनी है, 10 m/min। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है, चूंकि यहाँ पर डायमीटर चेंज हो रहा है तो आपका जो RPM है वो भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो हम निकालेंगे v इक्वल्स क्या होता है, πDn, ठीक है, v इक्वल्स πDn है। तो इसको सॉल्व करते हैं फर्दर, तो v की वैल्यू 10 है इक्वल्स पाई, डायमीटर कितना है 20 है, तो 20 mm है, इसको डिवाइड कर देंगे 1000 से, तो mm किस में चेंज हो जाएगा, मीटर में, किस में चेंज हो गया, मीटर, इंटू एन। तो यहाँ से n इक्वल्स क्या आ जाएगा, 10 × 1000/20, और इसमें पाई भी आएगा साथ में, ठीक है। तो इसे सॉल्व करते हैं फटाफट से, तो ये आंसर आपका आएगा कितना, ये आंसर आ जाएगा आपका 10 × 1000, ओके, डिवाइडेड बाई 20 × π, ठीक है, तो 159.15 आ गया। तो n की वैल्यू आ गई 159.15 RPM रिवॉल्यूशन पर मिनट। अब हम फॉर्मूला लगा देंगे किसका, मशीन टाइम का। तो TM इक्वल्स क्या होता है, L थिकनेस ऑफ द होल इंटू फीड और इंटू RPM। अब देखो L की वैल्यू आप यहाँ पर देखना पड़ेगा एक बार, L की वैल्यू यदि इस डायग्राम में आप देखोगे तो यहाँ से आपको पता चलेगा L की वैल्यू। ये देखिए ये इतना है थिकनेस, जो 40 mm का होल है उसकी थिकनेस कितनी है, इतनी है, ये कितना है 10, 20, 30। तो L की वैल्यू क्या हो जाएगी 30, और F कितना है आपका, F आपने 0.2 लिया है, और N कितना है 159.15। तो यहाँ पे TM निकालोगे आप, तो कैलकुलेशन करते हैं पहले से, तो इसमें आ जाएगा आपका, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, 0.2 × 159.15, राइट, ये आ गया। इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं और इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं 30 का, ठीक है। तो आपकी वैल्यू टीएम आ गया 0.9425 मिनट, ये आ गया सेकंड केस के लिए। अब आपको क्या निकालना है, 40 mm होल के लिए, किसके लिए निकालना है, 40 mm, क्योंकि है तो ओरिजिनली 40 mm का, लेकिन 40 mm को आप दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, पहले आपने 20 mm का होल किया, फिर 20 mm को इनलार्ज करके 40 mm का कर दिया,
तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे फॉर, लिख सकते हैं फॉर 40 mm डाया होल, 40 mm डाया होल। तो इसके लिए यदि आप निकालोगे TM, तो ये भी क्या होगा, L इंटू अपॉन F इंटू N। ये पता है आपको L क्या थिकनेस है, F फीड है, और N क्या है RPM। अब देखो क्वेश्चन में ऑलरेडी ये सारी चीज़ें दी हुई है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 40 mm के लिए फीड कितना है, 40 mm के लिए जो फीड है F की वैल्यू है 0.4 mm पर रिवॉल्यूशन। कटिंग स्पीड तीनों के समय सेम है 10 मीटर पर मिनट, तो V की वैल्यू 10 मीटर पर मिनट है, लेकिन आपको RPM चाहिए, तो V इक्वल्स क्या होता है, पाई DN होता है। तो यहाँ से V इक्वल्स पाई, डायमीटर कितना है 40 है, इसको mm में है तो मीटर में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड कर दिया, और N, ठीक है, तो यहाँ से ये 10 है आपका, 10 इक्वल्स क्या हो जाएगा 40 पाई अपॉन 1000 और ये N। तो यहाँ से यदि आप N निकालेंगे तो N की वैल्यू क्या आ जाएगी, N की वैल्यू आएगी 10 × 1000 डिवाइडेड बाई 40 पाई। तो इसको सॉल्व करते हैं, फटाफट से सॉल्व करते हैं भाई साहब। इसको जब सॉल्व करेंगे तो कुछ इस तरह की कहानी बनेगी, 10 × 1000, ठीक है, डिवाइडेड बाई 40 × पाई, ठीक है, तो ये आ गया 79.57। तो n आ गया आपका 79.577, ठीक है। आप एक चीज़ यहाँ से ऑब्जर्व कर सकते हो, जैसे जैसे डायमीटर बढ़ती है वैसे वैसे RPM क्या हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि फॉर्मूले के हिसाब से, है ना। और अब यहाँ से आप निकाल सकते हो TM, तो TM इक्वल्स कितना हो जाएगा, इस केस में भी आप देखोगे, इस केस में भी जो है इसका डायमीटर है ये कितना है, फुट थिकनेस क्या है, 30 है ना, 10, 20 और 30, यहाँ डायग्राम से आपको पता चला है। तो इस केस में भी TM की वैल्यू क्या आ गई, 30 आ गया, 30 डिवाइडेड बाई F की वैल्यू 0.4, ये फीट दिया हुआ है, इंटू N कितना 79.577। तो हम क्या करते हैं, ये है 79.577, इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं 0.4 का, ये आ गया, इसका रिसिप्रोकल ले लेते हैं और इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं 30 का, तो ये आपका TM की वैल्यू आ गई 0.9424 मिनट। अब टोटल टाइम निकालना है आपको, तो टोटल टाइम निकालेगा, एक टाइम आपने कहाँ पे निकाला है, एक टाइम आपने निकाला 8 mm के लिए, दूसरा 20 mm के लिए, तीसरा 30 mm के लिए। तो ये आपका 8 mm वाला आया है यहाँ पे, ठीक है, और ये जो आया है ये आपका 20 mm वाला आया है, ठीक है, और ये आया आपका 40 mm वाला, ये कितने mm का है, 40 mm वाला। अब तीनों को मिला दें तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा आपका, ये 1 मिनट है, पहला 1 + 0.9425 + 0.9424, ठीक है, ये है। अब इनको जोड़ देते हैं भाई, कैलकुलेटर से जोड़ देते हैं, तो जब जोड़ोगे आप तो इसका कुछ आंसर इस तरह से आएगा, 1 + 0.9425 ये आ गया, + 0.9424, तो ये आंसर आ गया आपका TM इक्वल्स 2.885 मिनट। तो मैंने थोड़ा राउंड अप कर दिया लास्ट में, तो ये इसका आंसर। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ये अच्छा क्वेश्चन है। इसमें सबसे समझने वाली बात ये, थोड़ा ड्राइंग को समझना पड़ेगा, क्योंकि होल की थिकनेस आपको डायरेक्ट नहीं दी है, तो इस ड्राइंग में आप होल की थिकनेस देखोगे, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ये प्लेट है, इस प्लेट को ये दिखा दिया है, ठीक है, ये वाला जो हिस्सा है ये 60 mm का, ये हिस्सा ये है, इसकी थिकनेस क्या ज़्यादा है, प्लेट की थिकनेस कम है और ये वाला हिस्से की थिकनेस क्या है, ज़्यादा है, ये 10 mm का है और ये 30 mm का है, तो इस केस में आपने जो थिकनेस है वो 30 mm लिया है। इतना सही है, कुछ पूछना हो तो आप इसमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।